साल का सबसे बड़ा सेल लाइव हो चुका है, जो कि अमेजोन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज सेल जो है लाइव हो चुका है, जिनमें आपको दो बैंकों के क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिले हैं। अमेजोन से शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपके पास में SBI का क्रेडिट कार्ड होगा, उसके थ्रू आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। और यही पर आप फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में शॉपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास में HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा, तो उस क्रेडिट कार्ड से आप जो है 10% का डिस्काउंट ले पाएंगे। बट कुछ ऐसे भी क्रेडिट कार्ड हैं जो कि इन्हीं बैंक्स के हैं, उनके क्रेडिट कार्ड से आप स्पेंड करेंगे तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलने वाला है। तो आप भी इस सेल में शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। शुरुआत करते हैं अमेजोन से। तो अमेजोन पर SBI कार्ड का ऑफर है, लेकिन आपके पास में SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड या SBI का पेटीएम क्रेडिट कार्ड होगा, उसके अलावा कॉमर्शियल क्रेडिट कार्ड होगा या कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड होगा SBI का, उनके थ्रू आप यहाँ पर स्पेंड करेंगे इस सेल दौरान, तो आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जो कि आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, सब कुछ मेंशन किया गया है। प्लस में आप रुपए क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी स्पेंड करते हैं तो उसके लिए भी आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। देखो, जबरदस्त क्रेडिट कार्ड है SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड, जिसके थ्रू आप किसी भी ऑनलाइन मर्चेंट पर पेमेंट करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक जरूर मिलेगा, वो इस सेल के दौरान भी मिलेगा, लेकिन 5% का ही कैशबैक मिलेगा, 10% का डिस्काउंट आप नहीं ले सकते हैं। क्योंकि अगर इसे टोटल कैलकुलेट किया जाए तो 10% का डिस्काउंट प्लस 5% का कैशबैक, टोटल ये जो है 15% का कैशबैक बन रहा है। तो इसीलिए जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड यूजर है उनके लिए जो 10% का डिस्काउंट एलिजिबल नहीं है। हाँ, दूसरे क्रेडिट कार्ड होंगे आपके पास में SBI के, उनसे आप स्पेंड करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि आपके पास में सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है, सिंपली से वीजा वाला है, तो उसके थ्रू आप स्पेंड करेंगे तो आपको कैशबैक मिलने वाला है। तो देखो, बस अभी करंट टाइम में सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड भी बहुत ज्यादा अप्रूव हो रहा है, तो अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो इस सेल के दौरान में तो आप ये क्रेडिट कार्ड को ले सकते हो। और ये जो सेल है 9 अक्टूबर तक चलने वाला है, तो आपके पास में एक अच्छा खासा टाइम है, तब तक जो है इसका वर्चुअल कार्ड भी जनरेट हो जाएगा, प्लस में 7 दिनों के अंदर में आपको एक क्रेडिट कार्ड डिलीवर्ड भी हो जाता है अगर आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो आप लेना चाहते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड को अभी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप उस पर क्लिक कर आप इसके लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। कैशबैक क्रेडिट कार्ड भी आप ले सकते हैं, आप सेल के अलावा किसी भी टाइम में आप अगर यूज करते हो तो हर टाइम आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। इसमें एक कैपिंग है कि आप पर बिलिंग साइकिल जो है 5,000 का कैशबैक अर्न कर सकते हैं, तो वो भी इनफ है। इसके लिए भी आपको पूरे महीने में 1,00,000 रुपए से ज्यादा का स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाकर आपको जो है 5,000 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा 5% के हिसाब से। तो ऐसे बहुत ही कम यूजर होंगे जो कि हर महीने 1,00,000 रुपए का शॉपिंग कर लेते होंगे। सो अमेज़न पर किस क्रेडिट कार्ड से आपको स्पेंड करना है और कौन से क्रेडिट कार्ड का आपको यूज नहीं करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट पर स्पेंड करने के लिए कौन से क्रेडिट कार्ड का यूज ना करें। तो यहाँ पर आप HDFC बैंक का कॉमर्शियल क्रेडिट कार्ड या फिर कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड होगा उसका यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बाकी अदर जो भी क्रेडिट कार्ड है आपके पास में HDFC बैंक, लाइक आपके पास में टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड भी होगा ना, जो कि आप टाटा पर स्पेंड करते हो तो 10% का आपको कैशबैक मिलता है, उस क्रेडिट कार्ड का भी आप यूज करेंगे फ्लिपकार्ट के इस सेल के दौरान, तब भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। और बाकी के जो क्रेडिट कार्ड होगा तो उस पर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट हाँ, कॉमर्शियल क्रेडिट कार्ड या कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए। सो ये एक अपडेट है जो मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाकर दे दिया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों को बताना चाहते तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और HDFC बैंक का आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं जो इंस्टेंट अभी अप्रूव हो रहा है, उन क्रेडिट कार्ड का अप्लाई लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इसके लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।